हाय गाइस, जैसे हमने पहले देखा था कि किस टाइप से हम लोग ने यहाँ पे बेक किया, बेक करने का मैंने प्रोसेस मैंने आपको इसमें गाइड किया। अभी हम लोग आते हैं आईडी पे। आईडी के साथ मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। जैसे मेरे माई की फाइल है, माई की फाइल मैंने दिखाई, ये मेरे पास हाई पॉली लो पॉली है, ठीक है। इससे पहले मैंने कई चीज़ को मैंने गाइड कर रखा है, तो माई के दूसरे फाइल में चलते हैं। यहाँ पर मैंने आईडी का पार्ट बनाया। आईडी का मतलब क्या है, जैसे मैं कोई भी कलर अप्लाई करता हूँ, जैसे सपोज मैं कुछ रेफरेंस को पहले दिखाता हूँ। रेफरेंस मेरे पास ये है, ठीक है। कुछ चीज़ को हम लोग जो भी फुलफिल कर रहे हैं उसको एक बार लेके चलते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया। ये इमेज है मेरे पास यहाँ पे, और मैंने स्विच कर दिया यहाँ पे। अभी आईडी का मतलब, जैसे जो मेरे पास जो ग्रीन कलर, उसमें मैंने ग्रीन कलर का मटेरियल डाल दिया। जैसे राइट क्लिक एंड आप सिंपल सा पार्ट यहाँ पर शेड है, ठीक है। यहाँ पर शेड करके आप यहाँ पे जैसे आपने कलर दिया, कलर को आप यहाँ पर आराम से कलर दे सकते हो, इसका नाम दे सकते हो ग्रीन। अभी जो भी ग्रीन है, ग्रीन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ग्रीन को ऐसा कर दे तो यहाँ पे जो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। इधर यहाँ पे इधर से पिक कर दूँ तो मेरे जो पिक हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। पिक अगर तो सबसे जैसा पिक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने चीज़ों को मैनेज किया। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं आपको और आइडिया देता हूँ। मेरे पास अगर कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लो पॉली पे हम लोग यहाँ पे क्या करना है, लो पॉली पे मैंने यहाँ पे ये रखा है, लो पॉली है। लो पॉली में मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास अलग अलग सेट है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर अ टाइमिंग, जैसे यहाँ पे जो देखना अभी ये है, ठीक है। मैंने सब पे अलग अलग मटेरियल अप्लाई किया। अलग अलग मटेरियल अप्लाई करने का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे अगर मुझे चीज़ वहाँ पे चाहिए, तो मैं चीज़ों को मैं लो पॉली में यहाँ पे चीज़ों को देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अलग से भी, जैसे बस अगर एक मैच देना पड़े, एक सेगमेंट देना पड़े इजी करने के लिए, मैं वो कर सकता हूँ। अदरवाइज ये मैं सब्सटेंस में भी निकाल सकता हूँ। अभी आपको जल्दी में और ईजी में क्या करना, वो आपके लिए डिपेंड करता है। जैसे मान लो सपोज, जैसे यहाँ पे मैं कुछ एक पार्ट देख रहा है, तो जैसे मैं देखो एक सिंपल सा सैम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने बोल्ट दिया है, बोल्ट में बोल्ट वाला पार्ट, बोल्ट वाला पार्ट मैंने लो पॉली में नहीं बनाया है, ठीक है। हाई पॉली में दिखा देता हूँ, ये वो हाई पॉली है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बोल्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को दिया नहीं है, ठीक है। ये मैंने ये भी डेप्थ दिया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ये भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसका कुछ आइडिया मैं आपको दूँ तो मैं अपने सब्सटेंस की फाइल में लेकर चलता हूँ। जैसे देखो पे सब्सटेंस की फाइल में देखो, ये मैंने ऐड ऑन किया कि अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो देखो ऐसे करके मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे करके मैं चीज़ों को ऐड ऑन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा कि अगर मुझे ऐसे कुछ काम करना तो मैं ऐसे कुछ चेक करके दिखा सकता हूँ। तो एक मैं जैसे बेसिक में दिखाया कि भाई एक सैंपल है, हम लोग ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग चलते हैं कि भाई मुझे माया के अंदर आईडी की फाइल में कैसे मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। तो आईडी के अंदर मैं अगर यहाँ पे आ गया तो मुझे आईडी में ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास हाई पॉली है, ये लो पॉली है, लो पॉली में यहाँ पे सबके लिए एक एक मटेरियल अप्लाई करना। जैसे सीएमएस पार्ट है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इनको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। देखो अगर आपका काम आसान करना है, देखो कई लोग क्या कहते हैं, अलग अलग मॉडल बना लेते हैं, हाई पॉली बनाते हैं तो उसमें भी काम हो जाता है। मैंने इसमें काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स को टच करने की कोशिश की है, काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट है, यहाँ पे अगर मैं फेसिस सेलेक्ट करके डाल सकता हूँ तो मैं डाल दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्या है, मॉडल मेरे पास एक ही है, फेसिस देखो यहाँ पे मॉडल एक ही है, 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। 4, 5 एंड 6 यहाँ पे देखिए तो आपको एक ही मॉडल में नजर आएगा। इसको मैंने यहाँ पे पीछे का कलर मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मॉडल लेकर मैंने फेसिस सेलेक्ट करके कलर असाइन कर दिया। राइट क्लिक, जैसे फेसिस देखा भाई, फेसिस सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। एक फेसिस मेरे पास यहाँ पे हाइपर शेड पे गए, राइट क्लिक एंड असाइन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे तो देखो राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे तो मेरे यहाँ पे काम होता है। कई बार ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा बहुत बेटर वे में दिखाते हैं, ठीक है। कई बार आपका यहाँ पे काम करते थे यहाँ पे चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में नहीं दिखा देते। राइट क्लिक दिख रहा है, मैं ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैनेज करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसका एक टिप्स दिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, कभी राइट क्लिक करके आप काम करते तो कई दिक्कत आती है यहाँ पे। आप देखो अभी चीज़ें अगर मान लो कभी मैं ऐसे करते हैं, मेरे पास राइट क्लिक साइन मटेरियल आएगा तो भी आप काम कर सकते हो। नहीं तो भाई यहाँ पर राइट क्लिक यहाँ पे सिंपल मिडल माउस बटन से क्लिक एंड ड्रैग करो तो ऐसे भी आप फिर से सिलेक्ट करके कलर दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है, मैंने अंडू कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, सब पे एक एक जैसे मैं डाल दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या नाम देना है, मैं नेमिंग करके चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रीन मैंने दिया तो ग्रीन मेटल है, ठीक है। तो ग्रीन मैंने मेटल कर दिया, अंडरस्कोर METL ग्रीन मेटल, तो मैं उस ग्रीन मेटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन मेटल के यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मेटल मेरे पास कौन कौन सा है, मेटल सभी है, ठीक है। मेटल ऑलमोस्ट है, प्लास्टिक के कुछ मेरे पास हमें, जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर दे रखा है यहाँ पे, दिस वन यहाँ पे फेसिस सेलेक्ट करके कलर दिया है। ध्यान दोगे यहाँ पे, जैसे राइट क्लिक सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें यहाँ पे जो उसमें सेलेक्ट करो तो मैं सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। या आप इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल से चीज़ को बैलेंस करोगे तो आप यहाँ पे क्या करो, डबल क्लिक करो कंट्रोल ए, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हो, देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में गए, एक्सपोर्ट पे गए, ठीक है।
कंट्रोल है एट्रीब्यूट में आपको यहाँ पर आ जाएगा, एडिट में आकर डिलीट हिस्ट्री कर देना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ब्लैक आपको दिखेगा। तो ब्लैक ये क्या प्लास्टिक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो प्लास्टिक डाल सकते हो, ठीक है, ब्लैक में या फिर PLASTIC प्लास्टिक है ऐसे करके असाइन कर सकते हो। अंडरस्कोर बाहर नहीं लगाना, अंदर लगाना क्या, ठीक है, तो ऐसे करके आप असाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ मटेरियल असाइन करना है। मटेरियल असाइन करने का प्रोसेस क्या है कि आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट कंट्रोल एंड स्पेस बार देख रहे हैं, एक्सपर्ट मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो स्टैंडर्ड मोड, ठीक है। एक बेसिक साइड देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे गया स्टैंडर्ड पे, सरफेस पे गया, माया पे गया सरफेस, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 2D आएगा यहाँ पे सरफेस, देखो सरफेस आ गया। अब जैसे सपोज मैं इस पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक असाइन कर दिया ब्लेन, ब्लेन या लैम्बर्ट कुछ भी ले लो, ब्लेन लिया मैंने, ठीक है, ब्लेन मेरे पास यहाँ पे आ गया, इसको आपने सेलेक्ट किया और आपने आप उठा के असाइन कर दिया यहाँ पे, तो आपको मटेरियल आ गया। इस पर आप नेमिंग कर सकते हो कुछ भी, ठीक है, तो आप जो नेमिंग कर दोगे यहाँ पे डबल क्लिक करो, नेमिंग कर दोगे तो वो नाम आपके यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ऐसे असाइन कर सकते हैं। मैंने अंडू किया यहाँ पे ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको आईडी कैसे देते हैं, तो मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स में मैंने आईडी के बारे में बता रखा है, ठीक है। अभी मैंने आईडी के यहाँ पर डिफाइन किया, देखो मैं आईडी में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से अगर स्टार्टिंग से देखो मैं अगर यहाँ पर, तो आपको व्हाइट कलर का देखा, ये मैंने सिल्वर मेटल दे रखा, तो सिल्वर मेटल आप यहाँ पर कर सकते हो, तो देखो सिल्वर है, ग्रे है, आप ग्रे आपने कलर देखा तो ग्रे दे दिया यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रे हो गया। यहाँ पे पीछे अगर मैं कहूँ तो ब्लैक मेटल है, तो ब्लैक मेटल को आप यहाँ पे ठीक है, तो ब्लैक मेटल आप यहाँ पे चूज़ को थोड़ा सा ब्लैक की तरफ कलर भी दे दोगे तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो आप ऐसे करके काम कर सकते हो, नेमिंग करोगे जो नेमिंग करोगे वो मिलेगा यहाँ पे, ये ब्लैक मेटल यहाँ पे हो गया, इसको देखो ये मेटल है, ये भी आपका, आप देखो ये सिंपल सिंपल सा पार्ट है तो इसको थोड़ा डार्क रखा है, ये भी आपका थोड़ा सा ये सबका कलर दे रखा है यहाँ पे, तो ऐसे करके कलर असाइन कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जितनी चीज़ें हो सकती हैं उतनी चीज़ों का फुलफिल करो, जैसे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये ग्रे है, ठीक है, तो मैंने उठा के क्लिक करना साइन कर दिया मिडिल माउस बटन से, देखो यहाँ पे देखा ऐसे करके अगर मैं साइन कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो सब पे मैंने मटेरियल दे रखा है, नेमिंग दे रखी है, नेमिंग में मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा पार्ट दे रखा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत करने वाले हो, इसमें दो तरीके हैं, अगर लगता है कि लो पॉली में मुझे काम करना है, अब तो इतनी फेसिस लग करके भी आप कलर दे सकते हो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, नहीं तो अदरवाइज आपको यहाँ पे मटेरियल देना पड़ेगा। जैसे देखें यहाँ का आपने मटेरियल दे रखा है, यहाँ पे आपने मटेरियल दे रखा है, इसके साथ में छोटे छोटे पार्ट्स हैं, देखो छोटे छोटे जैसे पार्ट दिखने हैं यहाँ पे, इस पार्ट्स को मैंने सब्सटेंस में कवर करने के लिए मैंने रखा है कि जिसमें सब्सटेंस है, जैसे ये दिखा ना यहाँ पे, इसमें अगर मुझे कहीं पर कुछ ऐड ऑन करता मैं ऐसे भी मैं ऐड ऑन करके दे सकता हूँ, ठीक है, ताकि मैं कुछ भी ऐड ऑन करूँ तो मैं ऐसे ऐड ऑन करके दे सकता हूँ, तो मेरे से काम यहाँ पे हो जाना है। तो ऐड दिन देखो मेरे पास अभी ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें फुलफिल हो गई हैं। चलो अभी चलते हैं इसको लेके चलते हैं सब्सटेंस में। अनैपिंग हमने करा कहा था, पहले मैंने आपको बताया बस अनैपिंग का हो चुका है, बेकिंग हमने करके देख लिया कि बेकिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग कभी भी किसी चीज़ में आए तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पे क्या करो, इसमें एडिट में आकर डिलीट हिस्ट्री एक बार कर लेना ताकि आपकी कोई दिक्कतें नहीं हो, ठीक है। हाइपरशीट में देखो, हाइपरशीट में नेमिंग सब एक बार देख लेना, हाइपरशीट में जैसे आप यहाँ पे गए ना आप, तो एडिट एंड डिलीट अनयूज नोट्स, तो ये आपके थोड़ा सा कम हो जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखना चेकर्स कहीं दिख तो नहीं है, किसी और पर चेकर्स तो नहीं है, तो कहीं किसी पर चेकर्स हो और फिर वहाँ पर हम लोग देख रहे हो तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। प्लास्टिक है, ब्लैक मेटल है, ग्रे है, ग्रीन मेटल है, ठीक है, और देन अभी जो भी आपके पार्ट है वो आपके यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने किया यहाँ पे, ये लो पॉली हो गया, बस हाई पॉली हो गया, ओके। तो लो पॉली को लेकर चलते हैं, लो पॉली में बस यहाँ पर आ गया, फाइल को मैंने कर दिया यहाँ पे एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ एक्सपोर्ट सिलेक्शन, तो एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे गए, FBX में है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कुछ मैंने R&D पहले दिखाया था कि कई लोग ना लाइक बेकिंग को नहीं डालते हैं, ठीक है, जैसे देखा आप यहाँ पे मैंने डाल लगा, यहाँ पे मैं जैसे कॉन्सेप्ट गन यहाँ पे गए, तो मुझे यहाँ पे ये लेके चलना है कि इसके अंदर मुझे एड्रेस कॉपी करना है और मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ। एक्सपोर्ट पे गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गया एंटर, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कॉन्सेप्ट गन दे रखा, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट गन ID एन ये सब, तो आप यहाँ पे सिंपल सा काम आप मेंशन कर सकते हो, आप चीज़ों को दो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, CNCPT कॉन्सेप्ट CUN गन, ठीक है, लो मेस लो विद ID कर सकते हो ID, ठीक है। नेमिंग का ध्यान देना, आप कभी भी गेमिंग प्रोडक्शन कहीं पे जाओगे वहाँ पे प्रॉपर नेमिंग पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ये देख लेना कहीं सेम मेरे पास आता नहीं, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट गन लो एंड हाई, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यह मैंने कहा कॉन्सेप्ट गन लो हाई ID कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे मैंने ऑफ किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट दिस वन, फाइल पे गए, फाइल पे आकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे गए एंड देन एक्सपोर्ट करोगे आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट गन लो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे, कॉन्सेप्ट गन लो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्या कर, लो की जगह हाई कर दो बस यहाँ पे, अच्छा जी अच्छा, तो ये हम लोग एक आर एंड डी पार्ट हम लोग कर लेंगे जहाँ पे बस काम हो गया, यहाँ पे देखो पहले से यहाँ पे है कॉन्सेप्ट गन लो एंड हाई, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके लिए अगर मेरे पास थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो मैं एक उसी के अंदर, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सब कुछ रॉ रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फुल एंड फाइनल लिया, तो एक मैंने रॉ करके फोल्डर बना दिया आर ए डब्ल्यू रॉ, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को सारे मैं इसको मैं इसमें मैं डाल दूँ ताकि मेरे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैंने यहाँ तक सब कुछ सेलेक्ट कर दिया, यहाँ एक फाइल को रखते हैं कॉन्सेप्ट गन यहाँ पे, देखो देखें यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने यहाँ तक किया शिफ्ट एंड मैंने क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे करने की कोशिश की, जितना चला जाए वेल एंड गुड है, बाकी अगर कुछ होगा तो स्किप कर देना, देखो ठीक है, स्किप किया एंड मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये दो पार्ट दिखे यहाँ पे, अभी जो मैंने फाइल मैंने एक्सपोर्ट कर रखे यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर मेरे रॉ मटेरियल यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मेरे को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट गन जो मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट गन यहाँ पे मैं फाइल लिखा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट गन ये आ जाएगा, कॉन्सेप्ट गन लो आई डी, ठीक है, ये आ गया, आप चाहो तो यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा, मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल सी, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे आप इसे देखें, ठीक है, आपको यहाँ पर अगर आप हाई करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, एच आई जी एच हाई, ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया, अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, चलो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, वापस चलते हैं सब्सटेंस में, तो मेरे पास सब्सटेंस का यहाँ पे सब्सटेंस है, जिस मैंने एक थोड़ा सा दिखाया, मैं डेमो करना था, तो मैंने यहाँ पे डेमो रखा है कि भाई मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है, कभी भी कोई काम करो आप यहाँ पे, कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, सेलेक्ट में गए लो आई डी पे यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज 2K है, आप 4K भी कर सकते हो, जो भी आपकी नीड है, सामने वाले जो कंपनी आपको देगा 2K करना है 4K करना है, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए 4K भी यूज़ कर लेते हैं, ओपन जी एल है, कंप्यूट टेंजेंट स्पेस और फ्रेगमेंट, ये आपको आ जाएगा, यूवी यूज़ यूवी स्टाइल वर्क फ्लो नहीं करना, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कैमरा नहीं, ऑटो अनरैप नहीं करना, ठीक है, ओके कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, इसे करना है डिस्कार्ड, पीछे से भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपसे फाइल खुली कि नहीं, देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना, पेशेंस रखने में दो चीज़ आपको यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्या किया, चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, समटाइम ऐसा भी होता है कि आपकी फाइल कभी कभी क्रैश भी हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू एनीवे, मैं चीज़ को एक बार मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सब्सटेंस मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, ओके क्लोज नो, ओके फाइल पे गए, न्यू पे गए, न्यू पे जाके यहाँ पे, ठीक है, मैटलिक रेफरेंस यहाँ पे चीज़ें मैं काम कर जाएंगी, लो एंड हाई, ठीक है, लो मैच कर दिया यहाँ पे, कंप्यूटर टेंजेंट, ठीक है, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे मेरे पास मॉडल आ गया है, मॉडल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है, यहाँ पे देखो कि ब्लैक मेटल, ग्रे है, ग्रीन मेटल, प्लास्टिक, जो भी आपका मेटल है वो सब कुछ आपके यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, जैसे टेक्सचर सेट है, टेक्सचर सेट में जाके बेक मैस मैप, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2K 4K आप यहाँ पर यूज़ कर लेना, ठीक है, अप्लाई डिफ्यूज़न यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पर, हाई मैच मैंने ले लिया यहाँ पर, मेक श्योर पहले बाई डिफॉल्ट पे भी काम करेंगे यहाँ पे, एंटीलाइजिंग आपको 8x8 कर लेना है यहाँ पे, ताकि चीज़ों को आप मैनेज कर सकें यहाँ पे, ऑलवेज एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे काम कर जाएगा यहाँ पे, ओके आई डी के अंदर जाके देखो, आई डी के अंदर यहाँ पे आई डी के अंदर एक बार जाके कर सको कि मैं आई डी यहाँ पे सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मैंने चेक किया यहाँ पे, मटेरियल कलर यहाँ पे आ रहा है क्या, क्रॉस चेक करना है, वैसे अगर मैं आई डी नहीं भी है तो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट कॉमन, ठीक है, एंड बेक सेलेक्टेड टेक्सचर्स क्लिक कर देना, ये आपके टेक्सचर्स बेक आपके हो जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन करके आपके टेक्सचर बेक हो जाते हैं, तो आपको उसे मैनेज कर देना है, मैनेज करके आपको आइडिया मिलेगा कि किसमें क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बेकिंग पे मैंने आपको इससे पहले एक एडवांस क्लास मैंने दिया, एक दो क्लासेज जो भी मैंने आपको डिस्कस किया, उसमें आपको आइडिया मिल जाता है कि ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपका आउटपुट क्या है, ठीक है, आप कहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, जो कंपेरिजन तो अदर शो जो लोग शो नहीं करते, मैंने वो चीज़ शो किया था कि आपको आइडिया मिले कि बेकिंग हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसमें हमारे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, किन प्रॉब्लम को कैसे कैसे फेस करते हैं, कैसे मेरे पास आउटपुट आता है, किस टाइप से हम लोग काम करते हैं, ठीक है, और वर्जन वाइज भी कई चीज़ आपको देखने को मिलेगा क्या, तो अभी फिलहाल में हम इसको देखते हैं किस टाइप से हमारे मैप बैक हो रहे हैं, ठीक है,
मैं आपके साथ क्या क्या काम है, और मैं अगर बेसिक से अगर मैं टेक्सचर करना चाहूँ तो मैं बेसिक से टेक्सचर को मैं कैसे और किस टाइप से बैलेंस कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल में मेरा काम यही है कि मैं इसे बेक करके एक बार देख लूँ, बेकिंग मेरा हो रहा है। जितने आपके देखो ऑब्जेक्ट देखे हैं, अभी टोटल 28 बता रहे हैं, उसमें से 11 आपके बेक हो चुके हैं। ये बन बन करके सारे चीज़ों को, सारे ऑब्जेक्ट को, मैप को बेक करेगा। बेक करने के बाद आपके पास चीज़ें बहुत बेटर दिखेंगी यहाँ पे कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है और किस टाइप से मैं डील करने वाला हूँ। हाँ, आपने क्वालिटी बढ़ा रखी है, अपना आउटपुट बढ़ा रखा है, तो हमें कुछ टाइम ऐसा लगेगा जहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर लगेगा नीड है। तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कई हम लोगों ने डुप्लीकेट मॉडल भी कर रखे हैं, कई मिरर भी कर रखे हैं, हमने कोशिश किया कि ताकि सब कुछ एक बार में हो जाए और सबके सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने मटेरियल आईडी बनाए, तो मैं मटेरियल आईडी बनाने का एक बेनिफिट है कि मटेरियल आईडी में क्या होता है, मैं सिंपल मैं मटेरियल उठा के किसी में डालूंगा तो मेरे को दिक्कत नहीं आने वाली, वो मेरे एक बेनिफिट है। अगर आप मटेरियल आईडी नहीं बनाते तो आप बाकी चीज़ों को आप अलग वे में फुलफिल कर सकते हो, भाई मुझे किस में क्या काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे यूवी निकाल लेके, तो यूवी के अंदर मैं किस टाइप से चीज़ को फुलफिल कर लूँगा। तो अभी पहले एक मेरे पास टेक्सचर बढ़िया हो जाए, तो मैं एक टेक्सचर को मैं किसी और में भी लेके जा सकता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई मुझे टेक्सचरिंग कैसे करनी है, और स्मार्ट मटेरियल्स कैसे मैं बनाऊँगा, उसको लाइक कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, उसके अंदर पेंट कैसे करेंगे, ठीक है, और कलर को कैसे लेके चलेंगे, वो सब कुछ आपको एक बार यहाँ पर क्रॉस चेक करना है। कई लोग की बेकिंग में अगर सेम नहीं आता तो नंबर के साथ प्ले कर सकते हो, मॉडल के अंदर सॉफ्ट एजेस हार्ड एजेस का प्ले कर सकते हो, तो सब कुछ आपको एक बार प्लान कर लेना है, ठीक है। ये देखो 24 हो चुका है, 4 और बचे हैं, 85% हो चुका है। तो यहाँ देखें प्लास्टिक नॉर्मल बोर्ड, प्लास्टिक आईडी, ठीक है, प्लास्टिक एम्बिएंट ओक्लूजन, प्लास्टिक कर्वेचर, ठीक है, प्लास्टिक वोशन, सब कुछ आपका ऑलमोस्ट सब कुछ मैप दे रखा है। इसमें भी कई बार ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ों को करने की नीड नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो मेरे यहाँ पर चीज़ें आ गई हैं, मैं अभी चलता हूँ लेयर पे, लेयर पे मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। टैब से हम आपसे यहाँ पे एक्सपर्ट मोड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, F1 एंड यहाँ पे UV और सारा पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है, F2, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो मैं पहले यहाँ पे चलता हूँ ग्रीन मेटल, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर लेना यहाँ पे, ठीक है, और ग्रे आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ब्लैक मेटल, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक भी आ गया। तो मैं यहाँ पे अगर कोशिश करूँ तो चीज़ें काफ़ी दिखेंगी यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑल चलते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे कई मटेरियल्स हैं, मैंने कई बार आपको मटेरियल्स में डिस्कस किया है, अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ग्रीन मेटल पे। तो ग्रीन मेटल में जो चीज़ पहले मेरा इजी वे में हो सकता है, पहले वो चीज़ को मैं करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आपको गन के यहाँ पे देखो, स्टील गन यहाँ पे गिवन है, तो स्टील गन के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। पहले देखो यहाँ पे क्या चीज़ मेरे पास फुल एंड फाइनल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्टील गन के लिए कहो तो स्टील गन के लिए यहाँ पे कई चीज़ यहाँ पे देखा, आप ये यूज़ कर सकते हो, इसको लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करो, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो दो चीज़ आपके बहुत बढ़िया दिखेगा, जहाँ पे आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वे में मैं मैनेज करके दिखाता हूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए और किस टाइप से चीज़ को मैं फुलफिल करने वाला हूँ। मेक श्योर, देखो मैंने बेकिंग किया, बेकिंग में सब कुछ है, तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ मुझे थोड़ा सा अप डाउन लग रहा है, ठीक है, जो मेरे पास मैप्स के अंदर है वो चीज़ मुझे यहाँ पे देखेगा। अगर मैं मैप्स के अंदर मैं देखता हूँ जो मैप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चीज़ क्या मिलने वाली है, यहाँ पे मैप्स अगर मैं देखूँ मेरे पे, ठीक है, लाइक नॉर्मल की क्या मैप्स है, वर्ल्ड स्पेस क्या मैप है, सबके मैप मेरे पास यहाँ पे गिवन है। किसी में अगर कोई चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करके दिखा दूँगा। तो चलो वो भी कर लेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैंने जब मैप्स बेक किया तो मेरे पास ऑलमोस्ट सब चीज़ें सही आई कि नहीं, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो आप वहाँ पर क्रॉस चेक करके देख सकते हो आप यहाँ पे भाई क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी कुछ चीज़ आपका सेशन जो होता है टेक्सचर के अंदर चाहिए, हम लोग यहाँ पे कवरअप करके देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं चलते हैं हम लोग यहाँ पे लेयर पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मुझे अब दिस इज़ गुड, ये अच्छा लग रहा है। अभी ये जो हमने यहाँ पे किया, इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो समझ यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। कस्टमाइज़ करने के लिए क्या चाहिए, मेरे पास तो इमेज है ना, इस इमेज को पकड़ लो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मैंने इसे ओपन किया, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसकी भी नीड नहीं है, डिलीट कर दिया मैंने, उसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑन ऑफ करके देखा, ये स्केचेस है मेरे पास, ये पूरा पार्ट यहाँ पे इसके पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। मेटल के अंदर मैंने यहाँ देखा, मेटल के अंदर यहाँ पे चीज़ें क्या है, फिल्म में जाके देखोगे, फिल्म में आपको यहाँ पे देखिए, फिल्म के अंदर आपको ऑलमोस्ट ठीक है, यहाँ चीज़ें कुछ मुझे दिख रही हैं। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है जिसको मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूँ, देखो फिल्म हमें बस मटेरियल्स ये सब कुछ यहाँ पे गिवन दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। अभी एक काम करते हैं यहाँ पे, देखो
मेन यही है, ठीक है। अगर देखें तो आप यहाँ पे तो आपको ये चीज़ें विजुअल है यहाँ पे, ठीक है। अभी इज़ इट पॉसिबल जैसे मैं इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। इसके सिवाय जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक दो मटेरियल मैंने पिक किया जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं। मेटल पे गए, मेटल के यहाँ के सारे पैरामीटर्स आप एक बार ओपन करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे चलना है। पैरामीटर्स के अंदर देखो पैरामीटर्स में जाओगे आप, यहाँ पे आपको एडवांस में जाना है, ठीक है। एडवांस में जाओगे तो एडवांस में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एडवांस में जाकर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये अपने रेफरेंस को ओपन कर दिया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कलर पिक करने का, तो कलर पे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है, देन यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करते दिखाओगे तो थोड़ा सा बेटर और जेन्युइन भी लगेगा। देखो यहाँ पे ये आप डार्क करें तो डार्क में और लाइट करें तो लाइट में आप यहाँ पे चीज़ों को दे सकते हो, क्योंकि ये हैंड पेंटेड है। हैंड पेंटेड समझ दो तो हैंड पेंटेड में ये वाली फिनिशिंग अलग से दिखेगी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मेटलिक लुक के लिए दे रखा है, आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मेरे को दिख रही हैं तो मैं इसको एक यहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है। देखना भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा कलर को डार्क में लेगा तो भी मज़ेदार होगा। देखना डार्क में थोड़ा और बेटर देखिएगा, आप चीज़ों को थोड़ा सा दिखा सकते हो तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो ये आपको अगर चीज़ों को देखना पड़े, देखो यहाँ पे ये एक पार्ट है, ये ऊपर लाइट पार्ट है, तो ये देखना जितना आप डार्क में जा रहे हो तो चीज़ें थोड़ा बेटर दिखेगा, क्योंकि ये जब पेंट करते हैं तो लाइटिंग के साथ भी थोड़ा सा मैनेज किया जाता है क्या। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखना कि कहाँ पे मैं अच्छा मिल सकता है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको डील करना आना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे और डार्क देखो यहाँ पे डार्क में देखो आप, ठीक है। तो ये चीज़ सब चीज़ें देखते यहाँ पे देखना ये पार्ट में यहाँ पे देखो यहाँ से पिक कर रहा हूँ, हर एक जगह कलर की इन्फॉर्मेशन अलग है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ से मैंने तो सर इधर किया तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी सिर्फ प्रेस करके मैं लाइट को इधर से इधर मैं टर्न मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चेक क्या होंगी, मैं चीज़ों को ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ, क्या ठीक है। तो भी मैंने यहाँ पे किया, चलो ऐसे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो मैं कुछ कुछ चीज़ें जिसको मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूँगा तो मेरे यहाँ काम हो जाएगा। देखो जैसे देखो देखना पे अभी इसमें मैं कई चीज़ को ऐसे भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, बस कुछ एक मटेरियल यहाँ पे दिखे ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे है शार्पन, तो शार्पन मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्क्रचेस हैं, स्क्रचेस के अंदर देखा स्क्रचेस के अंदर आप यहाँ पे ऑन ऑफ करो, कुछ नहीं यहाँ से देखो स्क्रचेस में आपको मेटल देखा। अगर आपको यहाँ पे डील करना तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते दिखा सकते हो। इसके अंदर कुछ अगर आपको और लेना है तो आप यहाँ पे और भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। शार्पन हमने दे रखा है यहाँ पे, यहाँ देखो अभी यहाँ से अगर मैं कहूँ जैसे मैंने किया कि एक मैंने लेयर क्रिएट कर दिया, लेयर क्रिएट करके मैंने दिया, मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट दिख रहा है कलर का, मैं तो और लेके चलूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मास्क क्या है, जैसे मैंने कहा स्मार्ट मास्क है, स्मार्ट मास्क के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्मार्ट मटेरियल यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा देखूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ जैसे डॉट में है, डॉट का ग्रेविटी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो शायद कुछ काम दिखेगा आपके यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ दिख रही है जिसको मैं तो ऐसा मैं बैलेंस कर सकता हूँ, क्या मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ से अगर मैं तो ऐसा मैं बैलेंस करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे ये दिखा है ये पार्ट है, यहाँ से मैं लाइट एंड डार्क में यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर चीज़ों को जैसे पुराने कैसे बनाना है, मैनेज कैसे करना है, ये हमें आइडिया आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ मैं अगर यहाँ पर क्या, तो मैंने मेटलिक के जो फॉर्म है अगर मैं दोस्तों मैं बढ़ाऊँ तो मेटलिक वाला फॉर्म आपको दोस्तों और बेटर दिखेगा अगर यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ कलर पे काम करें, यहाँ देखो कलर की वैल्यू क्या है, दिस वन सबको एक बार ऑफ कर देता हूँ, आप देखो यहाँ पे मेटल में तो सिर्फ मेटल का ही इम्पैक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कलर में तो कलर की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। अभी कलर की इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए मैं चीज़ को दोस्तों मैं बैलेंस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, कलर है, ठीक है। रफनेस आप यहाँ पे देख सकते हो, रफनेस है तो इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। मेटल मेटल करना आप चीज़ को देखना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। अभी इन चीज़ को आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको शिफ्ट एंड राइट क्लिक किया आपका, ठीक है। ऐसे अगर कुछ मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे कुछ काम आ सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैं अपने जैसे मास्क है, मास्क में थोड़ा सा जैसे इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके देखूँ यहाँ पे, ठीक है। चेंज में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, इसको ऑफ किया, इसको ऑफ किया, देखो यहाँ पे ठीक है। मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास ये जो पार्ट दिख रहा है इसके अंदर मैंने कुछ काम किया तो मुझे यहाँ पे पावर तो विजुअल है। अभी मैं जैसे इस पर गया स्क्रचेस, स्क्रचेस में ये आ रहा है, स्क्रचेस के अंदर मैं डालूँ यहाँ पे कुछ और डालूँ,
यहाँ देखो आप कुछ और भी ऐड ऑन होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐड ऑन करोगे तो आपके पास आइडिया मिलेगा भाई मैं ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ तो कैसे चीज़ को मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अंडू करो यहाँ पे, देखो ये देखना यहाँ पे, तो ये आपको तो ऐसे दिखना है कि मैं यहाँ पे जैसे स्क्रेचेज में रस्ट क्या दे सकता हूँ, रस्ट है, ग्रंज है, ठीक है, पेंटेड ओल है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, यहाँ देखो। उसके साथ यहाँ पे देखो ये कुछ तो मैंने शार्पन पे कर रखा, शार्पन देखो, शार्पन से आपकी सब चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ हमारे पास बहुत बेटर नहीं दिख रही थी वो शार्पन से मेरे पास यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। तो मैं इन सब चीज़ों को ऐसे कुछ ऐड ऑन कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ठीक है। अभी देखो ये मैं ऑन कर दिया, यहाँ पे मैंने ऑन किया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, मैं थोड़ा सा नहीं, देखो ऐसे करके आप किसी चीज़ को पुराना मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेंटेड ओल्ड है तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। बात समझो, दोनों में डिफ्रेंसेस समझोगे तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैंने बैलेंस किया कि चलो फिलहाल मैं यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे चीज़ों का दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास ये जो ठीक है मैंने जो ऐड ऑन किया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ एक काम करना है और यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ। मेरे पास मेटल है, फिल में यहाँ पे क्या, तो मेरे पास यहाँ पे क्या फिल है, सब कुछ आपको यहाँ पे बैलेंस करके देख सकते हैं। पे शार्पन में यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे मास्क में देखा मैंने, यहाँ पे तो मैं कुछ चीज़ों को ऐसे मैनेज करके रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा क्या। ओके, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस किया, ठीक है। चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसको भी मैं ऐड ऑन करूँगा यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या, मुझे यहाँ पे अगर मैं कहूँ इसको मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है, एज ऊपर करके यहाँ पे मिडिल माउस बटन से क्लिक किया मैंने डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि अभी आपके ना कॉर्नर पार्ट बहुत अच्छे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऑन ऑफ करके देखो तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो बहुत बढ़िया, ठीक है। हर एक पार्ट में बहुत बढ़िया सा इंपैक्ट दिखे, तो ये नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो एक गन एज भी है, गन एज को भी आप उठा के डालोगे तो यहाँ पे क्या देखेगा, गन एज में वो चीज़ें कम नज़र आ रही हैं, ठीक है। देखो गन एज में इसमें तो ये चीज़ मेरे पास ज़्यादा बेटर काम करेगा, तो मैं इसलिए इसको पिक करूँगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या गन एज को मैंने हटा दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मैंने मैनेज किया तो ये बेटर दिखा। इसके साथ मैंने एक सेकेंडरी पार्ट भी जो ले रखा मैंने यहाँ पे, इसको अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे देखना पे, अभी इसको मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया, इसको मेरे पास अभी ये मेरे पास काम करेगा यहाँ पे। एक पार्ट मैंने यहाँ पे देखा है, इसके अंदर मैं कुछ अगर चीज़ को मैं मैनेज कर दूँगा, देख रहा ये कुछ एक पार्ट है, इसके अंदर मैंने गन एज को मैंने यहाँ पे लिया तो मैं यहाँ पे बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप मैनेज कर दो कभी यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको मेटल का लुक एंड फील दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। तो ये पूरा पूरा पार्ट आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या काम करना है। मेटल बनाओ, मेटल के साथ चीज़ों को मैनेज करो, यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा सा दिख रहा है यहाँ पे, चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करें, और माइक्रो डिटेल भी यहाँ पे विजुअल होगा यहाँ पे, ऐसे करके चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस एंड मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।